हेलो दोस्तों, देखिए फॉर्मर क्रिकेटर इरफान पठान ने रिंकू सिंह पे काफी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है जान लेते हैं। आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए जैसे आपको पता है भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका का बड़ा टूर करना है, जहां पर 3 T20 3 ODI और 2 Test match खेलने जाना है, जहां पर रिंकू सिंह का T20 तो उनका सिलेक्शन चल रहा था लेकिन अभी ODI भी शामिल हो चुके हैं साउथ अफ्रीका टूर से। तो वहां पे लेकर इरफान पठान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि इस दौरे पर इस जो सीरीज होने वाली है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, जहां पे भारतीय टीम दौरा कर रही है साउथ अफ्रीका का, वहां पर रिंकू सिंह पूरी तरह से चमक सकते हैं, पूरी तरह से खेल सकते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह को स्पीड पसंद है और साउथ अफ्रीका की जो पिचेस होती है तेज होती है, बाउंसी पिचेस होती है, वहां पर रिंकू सिंह कमाल धमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह को गति पसंद है, बाउंस पसंद है और जो तेज गेंदबाज होते हैं उनको खेलना उनको काफी अच्छा लगता है, काफी पसंद है, जिसके वजह से काफी सारे रन बना सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये बायां हाथ के जो खिलाड़ी है ये फ्री फ्लोइंग बैटिंग करता है और पूरी तरह से ये हॉबी होकर बैटिंग करेगा साउथ अफ्रीका पिचेस पे, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से बैटिंग किया है रिंकू सिंह ने उसको देखा है और यह लगता है कि अब जब साउथ अफ्रीका अच्छी पिचेस मिलेगी जहां पे बाउंस भी होगा, ट्रू बाउंस भी होगा और वहां पे क्या होगा कि गेंद तेज आएगी, वहां पे रिंकू सिंह काफी कमाल और धमाल मचा सकते हैं और ये कहना नहीं हो सकता कि काफी कुछ गेंद कर सकते हैं, बहुत सारा प्रेस अपने लिए गेंद कर सकते हैं और एक बड़ी छवि भारतीय टीम में बना सकते हैं इस टूर से कि आने वाले जब टूर होगा वहां पर रिंकू सिंह का नाम भी होगा। इस तरह की स्टेटमेंट इरफान पठान ने दिया है। देखिए इसमें कोई शोभा नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिंकू सिंह बहुत टैलेंटेड बंदा है, जिस तरह से IPL खेला उसके बाद जिस तरह से जो भी मौका मिलता है जिस तरह से बैटिंग करते हैं काफी आंखों को काफी प्रेजिंग लगते हैं, आंखों काफी देख काफी खुशनुमा लगते हैं, जो आराम से बैटिंग करते हैं, सुकून से बैटिंग करते हैं और छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन जिस तरह छक्के मारते हैं, छक्के तो मारते तो सीधे 3 टायर पे जाकर गेंद गिरती है, लंबे लंबे छक्के मारते हैं बहुत। तो उसको देखते हुए जिस तरह से इरफान पठान ने बातें कही है बिल्कुल सोने आने सच बातें कही है। रिंकू सिंह बिल्कुल बहुत बड़ा प्रेस गेंद कर सकते हैं इस सीरीज से और एक अपना एक अलग अहदा, क्योंकि देखिए भारत में खेलना और विदेश में जाकर खेलना दोनों अलग अलग चीजें हैं और टॉप टीम के खिलाफ खेला जा रहा है, जहां पर व्हाइट बॉल में टॉप की टीम है साउथ अफ्रीका लेकिन टेस्ट में भी अपने घर में टॉप पेयर है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा वहां पर अगर रिंकू सिंह रन बनाते हैं, अच्छा टेक्निक से, अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, तो ओबेस बाद बहुत सारा नाम गेन कर सकते हैं, बहुत सारा सम्मान गेन सकते हैं खुद के लिए, आने वाली सीरीज के लिए भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब, मैच भी लाइक कीजिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं वीडियो में, बैठे की जय हिंद जय भारत।